स्वर्ण निकला, परंतु माते हम वो समझ नहीं पाए। नारायण नारायण। देवर्षि, वो स्वर क्या था? नारायण नारायण। सरस्वती माते, जाते जाते उन्होंने उस हिमखंडों के बीच सरोवर का जल, हाँ यही कहा था माते। ऊंचे हिमखंडों के बीच सरोवर का जल। अर्थात हिमालय पर्वत का जल। हाँ देवी सरस्वती, महादेव के प्रिय सरोवर मान सरोवर का जल जो हिमालय पर है, ये विचार हमें पहले क्यों नहीं आया? उस जल को तो अत्यधिक पावन माना जाता है, उसमें औषधीय गुण भी हैं। उस जल से तो संतोषी को अवश्य ही लाभ होगा। लाभ तो होगा, किंतु उस जल को कौन लेकर आएगा? माते, ये कार्य हम करेंगे। प्रणाम माते। क्षमा कीजिए माते, इस प्रकार आपकी वार्ता में प्रवेश करने के लिए, किंतु यदि हमें ये अवसर मिले तो हम इसे अपना सौभाग्य समझेंगे। हंसराज, आप हमारी सेवा में पहले ही बहुत व्यस्त रहते हैं। हम आपके स्थान में क्रिंटक और खुश, ये दोनों प्रेमी हंस जोड़े को भेज देते हैं। वैसे भी वो दोनों बहुत दिनों से हमसे सेवा का अवसर मांग रहे हैं। आप शीघ्र ही उन्हें भेज दीजिए। जो आ गया माते। प्रणाम माते। माते, आपने हमारा स्मरण किया, ये हमारे लिए हर्ष की बात है। हमें आज्ञा दे माते, हमें कौन सा कार्य करना है? जैसे मान सरोवर से जल प्राप्त हो जाए, आप शीघ्र ही धरती लोक में जाकर देवी संतोषी को सौंप दीजिए, उन्हें उस जल की आवश्यकता है। जो आज्ञा माते। हम इस कार्य के लिए अपनी पत्नी के साथ जाएंगे और सफल होकर आएंगे। अरे संतोषी, क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई? चलो लेटो, तुम्हें आराम की जरूरत है। हमारी भक्त स्वयं के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि दूसरों के लिए व्याकुल है। हम आशा करते हैं कि मान सरोवर का जल शीघ्र ही मिल जाए, उसके पश्चात हम स्वयं संतोषी को उसके घर तक छोड़ने जाएंगे।
चाचा, बड़े परेशानी में दिख रहे हो। साधु महाराज, हम परेशान हैं, इसलिए परेशान लग रहे हैं। क्या आपके पास हमारी परेशानी का समाधान है? नहीं है ना आपके पास? तो जाइए, अपना वक्त जाया मत कीजिए, जाइए। अलहक निरंजन, बालक हम जानते हैं कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। क्या कहें, हम इतने परेशान हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आपको कैसे पता चला कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं? अलग निरंजन, बस बच्चा, यू समझ लो कि हमारे सदियों की तपस्या का चमत्कार है ये। बच्चा, हम तो ये भी जानते हैं कि तुम किस कन्या को ढूंढ रहे हो, और वो कन्या उत्तरी दिशा की एक कुटिया में है। अलग निरंजन, उत्तरी दिशा में किसी कुटिया में? संतोषी वहां कैसे पहुंचे? बच्चा, ये समय प्रश्नों के उत्तर देने का नहीं है, किंतु ये समय शीघ्र, अति शीघ्र ही उस कन्या को उस रोग से मुक्ति दिलाने का है, जिसका समाधान भी है हमारे पास। हमारे कमंडल का जल, जिसे हमने सदियों की तपस्या के पश्चात प्राप्त किया है। बच्चा, शीघ्र, अति शीघ्र इसे लो और उस कन्या तक पहुंचा दो, और उसे अपने रोग से मुक्त करवा दो। अलग निरंजन। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र जाइए, अपना समय व्यर्थ ना कीजिए, भगवान आपका भला करे। अलग निरंजन। संतोषी, अरे संतोषी बेटा, अरे बेटी, तुम यहां कैसे पहुंची? इसे हम लेकर आए। हम इसका उपचार भी कर रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, लेकिन कृपा करके इस जल से भी इसका उपचार कर दीजिए। इस जल का प्रभाव हो रहा है, उस साधु को जरूर संतोषी मां ने भेजा होगा। ये काम सिर्फ संतोषी मां ही कर सकती। जय संतोषी मां, बहुत बहुत धन्यवाद संतोषी। चमत्कार हो गया, तुम्हारे सारे घाव भर गए। अरे धैर्य, अरे बेटे देखो, संतोषी बिल्कुल ठीक हो गई। इसके शरीर में जो रोग था वो चला गया। हमारी बहू बिल्कुल स्वस्थ हो गई। ये जरूर जरूर संतोषी मां का चमत्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोषी मां, बहुत बहुत धन्यवाद।